हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय चैनल हरकोईशेफ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ चिली बेबी कॉर्न। चिली बेबी कॉर्न ये स्मॉल साइज़ के बेबी कॉर्न आते हैं, इससे चिली बेबी कॉर्न बनता है। ये आप जैसे चिली पनीर, चिली गोभी या मंचूरियन जो भी खाते हैं उन सबसे ये ज़्यादा बेटर फ्लेवर इसका आता है। आप प्लीज़ ये इस रेसिपी को देखिए और ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। मुझे यकीन है आपको ये बहुत पसंद आएगा, आप चिली पनीर भूल जाएंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं इसको बताती हूँ इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। ये सबसे पहले बेबी कॉर्न है, ये है 250 ग्राम से 300 ग्राम तक। ये गार्लिक मैंने कट करके रखा हुआ है, ये एक फुल गार्लिक है। ये चाइनीज़ आइटम है तो चाइनीज़ आइटम में गार्लिक का फ्लेवर जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए गार्लिक ज़्यादा होना चाहिए। मैंने एक ये पूरा गार्लिक लिया हुआ है। और ये चार हरी मिर्च है। हरी मिर्च आप पे डिपेंड करता है, आपको कम ज़्यादा कैसा तीखा रखना है। इसके बाद में टोमेटो केचप चाहिए, सोया सॉस चाहिए और ये वाइट विनेगर चाहिए। इसके अलावा आपको शुगर चाहिए, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको डालना है। और ये वेजिटेबल्स हैं, मैंने शिमला मिर्च रेक्टेंगल में कट करके रखा हुआ है। और ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसको मैंने बड़े टुकड़ों में काट के उसकी पत्तियाँ अलग अलग कर ली हैं, ये देख सकते हैं आप। और इसमें तीन चीज़ें हैं, ये इसका रेशियो कुछ ऐसा है। इसमें 6 चम्मच मैदा है, 2 चम्मच आरारोट है और 2 चम्मच चावल का आटा है। तो 2-2 चम्मच चावल का आटा और आरारोट, ये 2-2 चम्मच है। और जो मैदा है वो ज़्यादा है, वो 6 चम्मच है। तो इन तीनों को हम मिक्स करेंगे। तो इन तीनों को ये मिक्स कर दिया है। अब हम इसे साइड रख देंगे। अब ये जो हमारा गार्लिक और ग्रीन चिली है, इसे हम इस जिसमें हम अदरक कूटते हैं इसमें डालकर इसे हम कूट लेंगे, ये दोनों को एक साथ। तो आप ये देख सकते हैं, ये ग्रीन चिली और गार्लिक को मैंने कूट लिया है। अब हम इसे साइड में रखते हैं। अब ये जो हमारा बेबी कॉर्न है इसको अब हम छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं ताकि इसकी पकौड़ियाँ बना सकें। तो आइए फिर इसे कट करते हैं। तो इस तरीके से हम सारे बेबी कॉर्न को हम कट कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं सारे बेबी कॉर्न कट चुके हैं।
इसकी हम पकौड़ियाँ बनाएंगे। लेकिन पकौड़ियाँ बनाने के लिए जो हमने ये पेस्ट ये जो मैंने पाउडर मिक्स करके रखा है मैदा कॉर्नफ्लोर और चावल के आटे का, तो अब हम इसे इसका पेस्ट बनाते हैं और इसे साइड रखते हैं। पेस्ट बनाने के लिए इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पकौड़ियों बनाने के लिए जितना ढीला पेस्ट बनता है जिसमें पकौड़ियाँ हम बनाते हैं, ये इसको भी उतना ही ढीला करना है। इसमें एक भी लम्स नहीं रहने चाहिए, सारी गांठों को आपको दबा दबा के ठीक करना है। अभी ये थोड़ा थिक है, इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। अब आप ये देख सकते हैं ये कितने अच्छे से नीचे फॉल कर रहा है ये, तो इतना गाढ़ा हमारा पेस्ट होना चाहिए। अब इसमें हम कुछ सामान ऐड करेंगे, ये जितने कैचअप रखे हुए हैं और सॉसेस ये सारे हमें डालने हैं इसमें, थोड़ा 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 सा टोमेटो सॉस, लगभग आधा चम्मच सोया सॉस, और आधा चम्मच विनेगर। इसको मिक्स करेंगे। मैं ये जो चिली बेबी कॉर्न बना रही हूँ ये ड्राई बना रही हूँ, और इसमें जो मैंने चावल का आटा डाला है वो इसके लिए डाला है कि जब वो ड्राई पकौड़ियाँ जब इसकी तलेंगी वो थोड़ी कुरकुरी हो जाए, इसलिए मैंने चावल का आटा डाला है। तो ये पेस्ट हमारा पकौड़ियाँ तलने के लिए रेडी है। इसमें बस सॉल्ट डालना है, तो हल्का सा इसमें सॉल्ट डालेंगे आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, ज़्यादा नहीं, इसमें हल्का ही रहेगा। अब इसमें सॉल्ट मैंने मिक्स कर लिया है, अब हमारा क्या क्या सामान रेडी है वो मैं बता देती हूँ। ये पेस्ट हमारा रेडी है, ये बेबी कॉर्न हमारा कट करके रखा हुआ है, और ये हमारा वेजिटेबल, ये तीन चीज़ हमारे रेडी हैं। अब हम सबसे पहले इसकी पकौड़ियाँ तलेंगे, तो आइए पकौड़ियाँ तलते हैं। ये मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है और ये लगभग गर्म हो चुका है, तो हम पकौड़ियाँ तलना स्टार्ट करते हैं।
ये देख सकते हैं ये पकौड़ियाँ हमारी तल चुकी हैं, तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसी तरीके करके सारी पकौड़ियाँ तल लेते हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि ये जो पेस्ट है जिसमें मैंने आप पकौड़ियाँ बनाई है, इसमें जो मैंने चावल का आटा डाला है, तो अगर आपके घर में चावल का आटा नहीं है तो कोई ज़रूर नहीं है कि चावल का आटा आप डालें। आप सिर्फ अरारोट और मैदा डालकर ही ये बना सकते हैं। और ये जो पेस्ट है इसमें मैंने जैसे बेबी कॉर्न डालकर पकौड़ियाँ बनाई हैं, इसी तरीके से अगर आप इसमें गोभी डाल के पकौड़ियाँ करेंगे तो आपका चिली गोभी बन जाएगा। पनीर की पकौड़ियाँ डाल के बनाएंगे तो आपका चिली पनीर बन जाएगा। और मैंने ये बेबी कॉर्न डाल के मैं बना रही हूँ तो ये चिली बेबी कॉर्न बन जाएगा। ये सब तो लगभग सेम, बनाने का तरीका तो सेम है, लेकिन आप जब ये खाएंगे तो इसका टेस्ट सबसे अलग होगा। और अगर आप इसमें आलू डाल के तलेंगे तो चिली पोटैटो आपका बन जाएगा। तो इस घोल में सब कुछ बन सकता है, सारी चीज़ें ये है। और इसमें चावल का आटा मस्ट नहीं है, मैंने कुरकुरा होने के लिए बस मैंने चावल का आटा डाल दिया था। मैं कोशिश करती हूँ अपने वीडियो में कि किसी भी लोगों को ज़्यादा बाहर नहीं जाना पड़े, सामान जो घर में अवेलेबल है उसी से बन जाए। तो इस तरीके से ये सारा बनेगा, ये हर कुछ आप बना सकते हैं। तो हमारी ये कुरकुरी पकौड़ियाँ रेडी हैं, ये आप देख सकते हैं ये कितनी कुरकुरी बन गई है। तो इसे हम साइड रखते हैं और इसके आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब हमें जो आगे का रेडी करना है वो ये, मैंने एक टेबल स्पून अरारोट लिया हुआ है। इस अरारोट में हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड कर लिया है, अब इसे थोड़ा मिक्स करेंगे। ये अब अच्छी तरीके से घुल चुका है, अब हम इसमें आइए और सामान ऐड करते हैं। ये जो रेसिपी है इसमें तीखा, नमक, मीठा, खट्टा सब कुछ एक बराबर होना चाहिए, तब जाकर ये फिर चटपटा लगता है। तो इसमें मैं थोड़ा सा शुगर डालूंगी थोड़ी सी मिठास लाने के लिए, आधा स्पून। टोमेटो केचप, केचप लगभग दो स्पून, दो स्पून से ज़्यादा भी टोमेटो केचप डाल सकते हैं। सोया सॉस एक टेबल स्पून, विनेगर हाफ टेबल स्पून, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये मिक्स हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें जो फाइनल बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो है ये कुटा हुआ हरी मिर्च और लहसुन, ये घोल, और ये जो वेजिटेबल्स मैंने कट करके रखी थी। तो आइए अब इसे बनाते हैं फाइनल।
तो ये मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है, ये लगभग गर्म हो चुका है। अब हम इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे। हल्का सा सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं। हाँ, तो अब आप ये देख सकते हैं ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसमें गार्लिक और चिली जो कूट के रखा है वो डालेंगे। खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है लहसुन की। और इस वक्त फ्लेम थोड़ा तेज कर देते हैं। बस अब इतना ही, बस 2 मिनट ही लहसुन चलाना है। अब हम इसमें वो घोल डालेंगे। जो अरारोट है ये घोल को गाढ़ा करने का काम करता है, तो इसलिए ये गाढ़ा होता जा रहा है। इसका कलर थोड़ा ब्लैकिश आना चाहिए, मुझे सोया सॉस थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग मुझे पसंद है, तो मैं इसमें थोड़ा सा और डालूँ। ये देख सकते हैं ये कैसा ग्लॉसी दिख रहा है। तो ये हमारा अब रेडी है। अब हम इसमें पकौड़ियाँ डालेंगे। पकौड़ियाँ डालने से पहले इसमें हम सॉल्ट डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसका कलर बहुत अच्छा आया है और ये ग्लॉसी भी दिख रहा है। अब हम इसमें पकौड़ियाँ ऐड करते हैं।
अच्छे से मिक्स कर देंगे कि चारों तरफ बहुत अच्छे से लग जाए। अब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है तो अब ये रेडी है, तो आइए अब सर्व करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं मेरा ये चिली बेबी कॉर्न रेडी है। अब ये फटाफट से ख़त्म भी हो जाएगा, तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और फेसबुक पे मेरे हर कोई शेफ पेज को लाइक कीजिए एंड मेरे प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।